आज के समय में कौन सा देश कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है उसका अंदाज़ा उसकी डिफेंस इंडस्ट्री से लगाया जाता है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो भारत दुनिया के टॉप 5 डिफेंस इंपोर्टर में से एक है। पर अब भारत धीरे धीरे डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस एक्सपोर्टर देश बन रहा है। जहां डिफेंस इंपोर्ट में भारत का शेयर 15% है, वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 0.17% है, जो कि 1% से भी कम है। तो डिफेंस में दूसरे देशों से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए और डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत ने डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की है। डिफेंस सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बनाने, डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस कॉरिडोर के बारे में और साथ में जानेंगे डिफेंस कॉरिडोर से भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। दोस्तों अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोगों ने कई बार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर के बारे में सुना होगा जो भारत के डिफरेंट स्टेट्स में बन रहे हैं। अगर नहीं सुना है तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कॉरिडोर बहुत से तरीके के होते हैं, जैसे कि फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, वैसे ही डिफेंस कॉरिडोर होता है। डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस रिलेटेड आइटम्स जैसे कि वेपन्स, मिलिट्री व्हीकल्स, मिलिट्री हार्डवेयर बनते हैं और फिर उन आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इससे देश में डिफेंस प्रोडक्शन की स्पीड तेज होती है। डिफेंस कॉरिडोर बनाने के बाद 2018 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यूनियन बजट के टाइम रखी थी। फिर 2019 में इसका ड्राफ्ट आया और उसमें डिसाइड हुआ कि शुरुआत में भारत के 2 स्टेट्स में डिफेंस कॉरिडोर को बनाया जाएगा और वो 2 स्टेट्स उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु होंगे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोडल पॉइंट्स अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ होंगे, जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, जिससे इन नोडल पॉइंट्स के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो सके। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूपी की सरकार इंडस्ट्रीज को प्लग एंड प्ले सपोर्ट दे रही है। अब ये प्लग एंड प्ले सपोर्ट क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले यूपी की सरकार इंडस्ट्रीज को ये एश्योरेंस दे रही है कि डिफेंस कॉरिडोर में वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूपी गवर्नमेंट वहाँ पे 132 kVA की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट डिफेंस कॉरिडोर को सेफ बनाने के लिए पेलिकन वायर फेंसिंग बाउंड्री वॉल भी बना रही है। कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 4-लेन हाईवे को बनाया जाएगा और इन हाईवेज को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली झांसी एक्सप्रेसवे और इसके अलावा बहुत से एक्सप्रेसवे और हाईवेज के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम निवेश मित्र है। निवेश मित्र इन्वेस्टर को फ्रेंडली एनवायरमेंट देगा, जिसके चलते कंपनीज बहुत ही आराम से डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूपी में सेटअप कर पाएंगी। इसके अलावा पेपर वर्क को आसान बनाने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया जाएगा, जहां से अप्रूवल और क्लियरेंस लेना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा लेबर परमिट दिलवाया जाएगा फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। इसके अलावा सब्सिडीज, इंसेंटिव के रीइंबर्समेंट के लिए एक सिंपल प्रोसीजर और रेशनलाइज रेगुलेटरी रिजीम बनाया जाएगा, जिससे कंपनीज को सब्सिडीज और इंसेंटिव आसानी से मिल सके। 2019 से लेकर अब तक यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट के लिए 55 कंपनीज के प्रपोजल आ चुके हैं। 67 MOUs के प्रपोजल सामने आए हैं, जिसमें से 22 डील साइन हुई है और 17 को लैंड दे दी गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन लखनऊ में शुरू करने जा रही है। यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में टाटा टेक्नोलॉजीज, फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी डेसॉल्ट एविएशन की सब्सिडरी कंपनी और सीमेंस ने इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज ने यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट की है। अब बात करते हैं तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के बारे में।
तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TIDCO के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 5 नोड्स चेन्नई, कोयम्बतूर, होसूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने तमिलनाडु को डिफेंस कॉरिडोर के लिए क्यों चुना। देखो, तमिलनाडु के पास काफी स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं, जिससे तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के लिए एक सुटेबल डेस्टिनेशन बनता है। तमिलनाडु के पास लार्जर कोस्टल लाइन है, जहां पे 3 लार्ज गवर्नमेंट सीपोर्ट, 1 लार्ज प्राइवेट सीपोर्ट और 22 माइनर पोर्ट्स हैं। तमिलनाडु में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। तमिलनाडु एक पावर सरप्लस स्टेट है। तमिलनाडु की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 11,113 मेगावाट की है। इसके अलावा तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई 3 सबमरीन केबल से कनेक्टेड है, जिसकी बैंडविड्थ 14.8 TBPS है। इन सब के अलावा तमिलनाडु एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि तमिलनाडु में इसरो का न्यू स्पेस सेंटर भी बन रहा है। जुलाई 2021 तक यूपी डिफेंस कॉरिडोर में 1,236 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 2,252 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। अभी तो डिफेंस कॉरिडोर फॉर्मेटिव स्टेज में है। जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ेगा। आने वाले कुछ सालों में यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में 16,500 से ज्यादा जॉब्स जनरेट होंगी और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 25,000 से ज्यादा जॉब्स जनरेट होंगी। अब बात करते हैं डिफेंस कॉरिडोर के इम्पोर्टेंस के बारे में। देखो, डिफेंस कॉरिडोर से मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ में कई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर, माइक्रो इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप को भी बूस्ट मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर बनने से बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। साथ में न्यू टेक्नोलॉजीज भी भारत में आएंगी, जिससे भारत में डेवलपमेंट की स्पीड फास्ट होगी और इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। कोई भी कंट्री तभी स्ट्रांग मानी जाती है जब वो सेल्फ रिलायंट होती है, और भारत अब सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। इस कॉरिडोर के बनने से भारत धीरे धीरे डिफेंस परचेजर से डिफेंस प्रोड्यूसर और फिर डिफेंस एक्सपोर्टर बनेगा। भारत का परसेंटेज ग्लोबली डिफेंस एक्सपोर्ट में सिर्फ 0.17% है, जो कि बहुत कम है। पर अब डिफेंस कॉरिडोर की मदद से फ्यूचर में भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट और बढ़ा सकता है। भारत ने अगले 5 सालों में हर साल 5 बिलियन के मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। इसके अलावा भारत अपने डिफेंस इंपोर्ट को धीरे धीरे कम कर रहा है। BJP सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए 9 अगस्त 2020 को एक फैसला लिया कि अब से भारत जो 101 डिफेंस आइटम को इंपोर्ट करता है, उसे बैन करेगा और वो सारे आइटम अब भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 101 डिफेंस आइटम की कॉस्ट $47 बिलियन है। भारत सरकार का ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देगा। साथ में भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी बूस्ट मिलेगा और इससे बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में ये लिस्ट और बढ़ेगी। इन आइटम्स को बैन करके भारत के डिफेंस सेक्टर को 52,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और लॉन्ग टर्म में बताया गया है कि आने वाले 5 साल में हमारी सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनीज को 4,00,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। भारत अब आर्टिलरी गन, डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल, लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट, कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स, इसके अलावा और भी बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट को अब भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। इसमें प्राइवेट कंपनीज भी हिस्सा लेंगी। भारत ने 2025 तक $25 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया है। तो आने वाले समय में डिफेंस कॉरिडोर भारत की डिफेंस को तो मजबूत करेगा ही, साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत योगदान देगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।